दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। और ये विकास यात्रा को खलल पहुंचाने वाले, उनका मकसद साफ नहीं, उनकी नीयत भी साफ नहीं है। मुझे कहते हैं 5 अगस्त के बाद कर्फ्यू क्यों लगाया, इंटरनेट क्यों बंद करा, कश्मीर के युवाओं को गुमराह करते हैं। मैं आज इन सबको जवाब देना चाहता हूं। आप भी मेरे सामने बैठे हैं, ये कश्मीर की आवाम, कश्मीर की जनता इतना ही अधिकार रखती है जितना इस देश पर मेरा अधिकार है, उतना ही आपका अधिकार है। आप मुझे बताइए 5 अगस्त के बाद इंटरनेट बंद न करते, अगर कर्फ्यू न लगाते, तो युवाओं की भावनाओं को भड़काकर जो स्थिति होती, इसमें कौन मरता, कौन मरता? कश्मीर का युवा मरता। हम नहीं चाहते थे कि कश्मीर के युवा पर किसी को गोली चलानी चाहिए, गोली चलानी पड़े। ये लोग समझे न समझे, ये 3 परिवारों ने यहां 70 साल तक शासन किया है, ये न समझे समझे, हम जरूर समझते हैं एक बूढ़े बाप पर युवा बेटे के जनाजे का बोझ कितना बड़ा होता है, ये हम समझते हैं। आपके शासन के अंदर 40,000 लोग घाटी के अंदर मारे गए। आज तक आतंकवाद और दहशतगर्दी की निंदा नहीं की है, बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ये मारा गया ठीक नहीं हुआ, मगर मारा उसने ठीक किया क्या, वो नहीं कहते हैं। मैं आपके सामने साफ करने आया हूं, उनको मारने की इजाजत हम नहीं देंगे, उनको शांति में खलल नहीं पहुंचाने देंगे, और यहां पर जो अमन और चैन है वो बरकरार है।